कुछ हंसकर रोकर सीखे, सच्चे आशिक होकर सीखे, हो गया निराला राग रंग, हम पथिक हमारा और ढंग, के संतों का अनादर न किया जाए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान यहीं हरिद्वार में परमार्थ आश्रम में गंगा के तट पर विराजते थे और परम श्रद्धेय आसाराम जी बापूजी महाराज भी, तब हम वहीं रहते थे परमार्थ आश्रम में गुरुदेव भगवान के साथ नीचे कमरे में, और वो समय समय पर आते रहते थे। तो हमारे गुरुदेव भगवान पूज्यपाद स्वामी पथिक जी महाराज जो बड़े ही त्याग मूर्ति और तत्वज्ञानी संत थे, वो भी उनका आदर करते थे, और ये जो उनके प्रति जो भी हो रहा है ये अच्छा नहीं है, जो है उनको सजा गलत मिल रही है, लगभग 8-9 साल हो गए होंगे, उनको बाहर आना चाहिए। सरकार को भी इस संदर्भ में सोचना चाहिए कि संतों का अनादर न किया जाए, क्योंकि ये संतों की परंपरा बहुत प्राचीन है और उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, जो आज भी उन पर अडिग श्रद्धा रखते हुए और उनके जीवन आदर्शों पर चलने का सतत प्रयास करते रहते हैं। इसमें समाज को भी पहल करनी चाहिए, संतों को भी पहल करनी चाहिए। और आसाराम जी महाराज तो बड़े श्रेष्ठ संत थे और उनके भक्तों की अभी भी विशेषता है, न जाने कितने लोग पूर्णिमा का दर्शन करने के लिए जाते हैं, नहीं मिलते हैं तो जेल के चक्कर लगा के चले जाते हैं। ये श्रद्धा है, और उनकी श्रद्धा है तो श्रद्धा में बहुत बड़ा पावर होता है। श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धा में सत्य तक पहुंचाने की सामर्थ्य है, और भगवान स्वयं कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान में दर्शन कर पाते हैं। तो ये जो प्रहार हो रहा है, प्रहार करने वाले सत्य विजयी होता है, भले ही पराजित नहीं होता है, वो विजय उनको मिलेगी, हमारा पूरा विश्वास है। और इसमें लोगों को भी थोड़ा साथ देना चाहिए, संत समाज को भी, ये कुंभ का अवसर है, इसमें हो सके तो कुंभों को, कुंभ में जब संतों का समुदाय होता है, उनकी मीटिंगें होती हैं, अखाड़े की मीटिंगें होती हैं, उसमें ये पारित होना चाहिए, सरकार पर दबाव भी बनाना चाहिए। ये यहाँ के अगर आपने इंटरव्यू लिया होगा तो भाई ये सब संतों का भी ये कर्तव्य होता है कि उनको अनावश्यक जो ये दंडित किया जा रहा है ये गलत है, उनको निकालने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मज्ञानी का स्वरूप क्या है? ब्रह्मज्ञानी का जो स्वरूप है वो बंधन मुक्त होते हैं। उनका एक ही सूत्र होता है, न बंधन में किसी को डालते हैं, न बंधन में स्वयं पड़ते हैं। और स्वयं पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपने बारे में भी एक कविता लिखी, जिससे और जो कविता लिखी उसी में उनका जीवन था। हम पथिक हमारा और ढंग, मेरा औरों का कौन संग, मैं किसे बताऊं राह कौन, मेरे दिल की है चाह कौन, समझेगा मेरी आ कौन, करता किसकी परवाह कौन, अपनी अपनी बज रही चंग, हम पथिक हमारा और ढंग। कोई कुछ ज्ञान बताते हैं, कितनी भी ध्यान सिखाते हैं, पर हम जो रोते गाते हैं वो बिरले ही लग पाते हैं, सुन देख हो गए सभी दंग, हम पथिक हमारा और ढंग। हम चलना खाट होकर सीखे, दिल पाना दिल खोकर सीखे, जो कुछ हंसकर रोकर सीखे, सच्चे आशिक होकर सीखे, हो गया निराला राग रंग, हम पथिक हमारा और ढंग। हम जंगल में है या घर में, दिल लगा एक उस दिलवर में, वो मेरे बाहर भीतर है, व्यापक हर शय में हर दर में, बस रही मिलन की ही उमंग, हम पथिक हमारा और ढंग। हम भला बुरा क्या पहचाने, हम तो प्रीतम के दीवाने, बस एक उन्हीं को ही जाने, हमको कोई कुछ भी माने, चल पड़े जिधर मन की तरंग, हम पथिक हमारा और ढंग।